Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today I am going to discuss about Assistant Conservator of Forest ACF exam previous year solved paper agriculture part. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. एग्जॉटिक ब्रीड होल्स्टीन फ्रीशियन हैड इट्स ओरिजिन इन. होल्स्टीन फ्रीशियन काउ की एग्जॉटिक ब्रीड है, जो इसकी ओरिजिन कहाँ है? हॉलैंड में. द करेक्ट आंसर इज हॉलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, एकेरिसाइड्स आर यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ. एकेरिसाइड्स हम किसमें यूज करते हैं? द करेक्ट आंसर इज माइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए सुटेबल हर्बिसाइड फॉर शुगर क्रेन क्रॉप. इसका आंसर डायलेमा में है, इसलिए टिक नहीं किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसेंट ऑफ सैप वाटर मूव्स अप थ्रू. द करेक्ट आंसर इज जाइलम. और फूड जो है किससे पास होता है? फ्लोएम से. तो यहां पर क्वेश्चन में वाटर पूछा है, इसलिए आंसर होगा जाइलम. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन पिंक बॉलवॉर्म बिलोंग्स टू द ऑर्डर. जितने भी मोथ होते हैं, बटरफ्लाइज, जो भी फैमिली होती है कैटरपिलर, वो किसके अंडरगर्ट आते हैं? लेपिडोप्टेरा के. तो इसका ऑर्डर होगा लेपिडोप्टेरा. कॉटन बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? पेक्टिनोफोरा गुसाई पियला. लूपर्स, सेमी लूपर्स भी लेपिडोप्टेरा के अंडर में ही आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलिडोगाइन इज द कॉज ऑफ. ये एक निमेटोड डिसीज है, ये क्या कॉज करती है? द आंसर इज रूट नॉट डिसीज. चिली, टोबैको या पोटैटो, ये सब में ये रूट नॉट डिजीज कॉज करती है मेलिडोगाइन निमेटोड. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम कल्टीवेशन इज अडॉप्टेड इन. फ्लेम कल्टीवेशन किस में अडॉप्ट किया जाता है? द आंसर इज शुगर केन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकोग्रामा इज ए. राइट आंसर इज एग पैरासाइट. ट्राइकोग्रामा एक एग पैरासाइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन सॉइललेस कल्चर इज. हाइड्रोपोनिक्स. अ रीपर इज यूज ड्यूरिंग. रीपर का यूज कब किया जाता है? हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब फसल की कटाई के लिए यूज करते हैं रीपर का. नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर सफेदा इज द वैरायटी ऑफ. द राइट आंसर इज क्लस्टर बीन. सफेद लिखा है तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये गुआवा की वैरायटी है करके. अलाहाबाद सफेदा गुआवा की वैरायटी होती है, दुर्गापुर सफेद क्लस्टर बीन की वैरायटी है, जिसको मतलब गवार बोलते हैं, गवार फली. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्टेशन प्रोसेस इज रिलेटेड टू. द आंसर इज विंड इरोजन. फालसा प्लांट ग्रो वेल इन. द करेक्ट आंसर इज सैंडी लोम सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फालसा प्लांट जो एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होने वाला एक फ्रूट प्लांट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोइंग पीरियड ऑफ इसबगोल इन राजस्थान इज. तो इसका आंसर होगा फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, मींस 1-15 नवंबर. 15 नवंबर तक के इसका सोइंग कर देना चाहिए इसबगोल का राजस्थान में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ARDC is responsible for. ARDC क्या है? Agriculture Refinance Development Corporation. ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्रेडिट देने के लिए फार्मर्स को ये बनाया गया है. इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1963 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्कुटा इज ए. द राइट आंसर टोटल स्टेम पैरासाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Dairy cows and buffaloes require water about. Dairy cow और buffalo को एक दिन में कितना पानी की requirement होती है? The answer is 30 to 35 liter per day. पुसा नन्हा is the variety of. पुसा नन्हा papaya की variety है और ये high density planting variety है जिसको 1.25 cross 1.25 meter square में लगाया जाता है. Next question. An early access irrigation water in growing period of cotton restricts. Growing period of cotton के time अगर excess irrigation में हम water supply करेंगे तो उससे क्या formation में problem आएगी? The answer is root formation. Next question. Total soluble salt content of the finished jelly should be. Total soluble salt कितना होना चाहिए finished jelly का? The answer is 65%. Next question. Minimum support price is declared. The answer is before sowing the crop. Minimum support price is always declared before sowing of the crop. Next question. An exotic breed of sheep is. The answer is merino. वर्ल्ड का 80% जो हमारा वूल है वो मेराइनो और या उसके हाइब्रिड से बनी हुई क्रॉसेस के शिप से ही हमको मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एवरेज पावर डेवलप्ड बाय ए पेयर ऑफ बुलक इज. द आंसर इज 1 horsepower. नेक्स्ट क्वेश्चन. बायोपेस्टिसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्राइसेंथेमम फ्लावर इज. द आंसर इज पायरेथ्रम. Next question. The lowest layer of the atmosphere is. Troposphere is the lowest layer of atmosphere. Troposphere ke baad kya aata hai? Mesosphere, then stratosphere, then thermosphere. Next question. Land capability classification scheme was developed by. The answer is USA. Next question. The average yield of muskmelon is. Muskmelon means kharbuja. Uski average yield kitni hoti hai? The answer is 200-250 quintal per hectare. Next question. Output is the function of. The answer is input. Input ka input used as a raw material, then we get an output in any production process. Next question. Popular dual purpose breed of poultry is. Dual purpose means meat ke bhi kaam aata hai as well as egg laying ke liye bhi. The answer is Plymouth Rock. Next question. A common device used for measuring irrigation water in a small channel is. Small channel में irrigation measure करने के लिए कौन से device का use करते हैं? The answer is V-notch weir. Hygrometer किसके लिए use करते हैं? Humidity के लिए. Next question. Optimum temperature range for wheat seed germination is 20 to 25 degree centigrade. Next question. Total number of characters studied by Mendel Weir. The answer is 7. Mendel ने 7 characters में study किया था जब वो P में काम कर रहे थे. उन्होंने ही law of inheritance दिया है. Next question. An ideal pH for rose growing is. Rose growing के लिए pH कितना होना चाहिए soil का? तो वो slightly acidic होता है. तो इसलिए यहाँ पर answer होगा 6-7.5. Next question. DRDA was set up at. DRDA का full form है District Rural Development Agency. तो question मतलब इसके full form में ही answer है. ये कहाँ set up होना चाहिए? District level में. The answer is district level. ये पॉवर्टी को कम करने के लिए इसको बनाया गया है ना. मतलब ये इम्प्लीमेंट करता है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The Indian Seed Act was enacted in year 1966. Next question. Home of Murrah Buffalo is Haryana. Next, a device used to present data using map is called as. The answer is cartogram. कार्टोग्राम एक टाइप का मैप है जो कि स्टेटिस्टिकल डाटा को यूज करके मैप तैयार करते हैं, है ना। उसमें प्रेजेंट डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका मतलब है स्टेटिस्टिकल डाटा का यूज करके अगर आप कोई भी मैप तैयार कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एन कार्टोग्राम। पिक्टोग्राम क्या है, जब आप पिक्चर्स का यूज करके अपना मैप तैयार कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज पिक्टोग्राम। हिस्टोग्राम में बार बार जैसा आपका ग्राफ होता है जिसमें बार डायग्राम का यूज करते हैं हम। पाई चार्ट तो आपको सबको पता ही है, सर्कल टाइप से होता है 360 का, उसमें डिग्री में दिया होता है, जैसे 60 डिग्री एरिया इसने कवर किया है तो वो उसके अंडर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ट्रैप्स आर यूज टू कंट्रोल। लाइट ट्रैप्स हम क्यों लगाते हैं, द आंसर इज मोथ एंड बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जनरली इसमें नॉक्टिडी फैमिली के मोथ जो हैं वो लाइट ट्रैप से अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वेटिक वीड इज, द आंसर इज पिस्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल म्यूटाजन इज, इन सारे ऑप्शंस में से केमिकल म्यूटाजन क्या है जो कि इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन जीन में, द आंसर इज नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमरान इज द रिकमेंडेड वेराइटी ऑफ विच फ्रूट इन राजस्थान। उमरान एक रेट वेराइटी है किसकी, बेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरगम प्लस पीजन पी क्रॉप सिस्टम इज, द करेक्ट आंसर इज रेनफेड अपलैंड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटोज आर केप्ट डॉर्मेंट फॉर मोर देन अ ईयर यूजिंग, द आंसर इज मैलिक हाइड्रोजाइड। मैलिक हाइड्रोजाइड इज यूज टू कंट्रोल स्प्राउटिंग्स इन स्टोरेज ऑफ पोटैटोज। इट इज ऑल्सो यूज इन ओनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट केवीके वॉज स्टार्टेड इन 1974-8 पॉन्डिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कैमल ब्रीड ऑफ राजस्थान इज, द करेक्ट आंसर इज बीकानेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकोडर्मा इज यूज टू कंट्रोल। ट्राइकोडर्मा एक पैरासिटॉइड है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, मेनली सॉइल बॉर्न डिजीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, anemometer is used to measure, the correct answer is wind velocity, wind direction के लिए हम wind vane का use करते हैं, solar radiation के लिए, फिर heliometer का, इसके लिए barometer का atmospheric pressure के लिए। Next question, Udaipur 101 is the variety of, the answer is red onion। Next question, Agma is located is related to, the answer is quality। Next question, the livestock provides employment in rural area is, the answer is 32%। Next question, Mollya disease of wheat and barley is caused by, मॉलिया डिजीज एक निमेटोड डिजीज है, देन आंसर इज करेक्ट आंसर इज निमाटोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्टिसाइड एंडोसल्फान इज ए, एंडोसल्फान किस कैटेगरी के अंदर आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड में क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोहाइट इज अ लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स विथ इक्वल वैल्यूज ऑफ, the correct answer is rainfall। Giamese Iverta is called as,
Another name of Gia Miss Iverta is popcorn. Next question. The main objective of plant breeding is? The answer is improvement of quality. Next question. Carrot belongs to the family. The answer is Apiaceae. इसको अम्लीपरेई भी बोलते हैं. Next question. The Indian agriculture is the main source of livelihood for population of Indian agriculture. कितने परसेंट पॉपुलेशन को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है? The answer is 60% population is depend upon the agriculture for their livelihood. Next question. The fundamental objective of extension education is? The answer is development of people. Next question. Geological name of the Indian camel is? The answer is Camelus dromedarius. Next question. Color rot of groundnut is caused by? The correct answer is fungus. Mainly किसके कारण होता है ये? Aspergillus niger. The origin of sorghum is? The answer is East Central Africa. Next question. Synchronous maturity is highly desirable in? Synchronous maturity means एक time पे उसकी maturity हो, मतलब जितने भी plants हम लगाए हैं उनकी maturity जो है synchronous हो, sync में हो. तो ये किसके लिए मेनली होता है? मूंग के लिए, जिसमें हमको बार बार पिकिंग लेनी पड़ती है, मतलब तुड़ाई करनी पड़ती है उसकी. तो इसका आंसर होगा मूंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाइट सॉइल मैन्यूर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम. द आंसर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. पुसा सवानी इज अ रेजिस्टेंट वेराइटी अगेंस्ट येल्लो वेन मोजैक इज ऑफ. येल्लो वेन मोजैक इज वेरी कॉमन इन ओकरा. So the correct answer is okra. Next question. NABARD was established in? National Bank of Agriculture and Rural Development. The correct answer is July 1982. Next question. The main function of agriculture universities in India are? The answer is teaching, research and extension. Next question. The percentage fat content in milk of Surti buffalo is? Surti buffalo ke mein fat percentage kitna hota hai? The correct answer is 6.3-8.1. Next question. Flak smut of wheat is caused by? The answer is urocystis. और यहीं loose smut की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा? Astilego. Next question. The oil content of groundnut is? Groundnut में oil content की मात्रा ज्यादा होती है. The answer is 45%. Bone meal should contain total minimum P2O5 is? Bone meal में phosphorus percentage कितना होता है? 20%. Next question. पुसा कोमल इज ए वेराइटी ऑफ. द करेक्ट आंसर इज काउपी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स द नेशनल जीडीपी ऑफ 14%. नेक्स्ट क्वेश्चन. फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय. द करेक्ट आंसर इज वायरस, एफएमवी वायरस. उनका उसको टीका भी लगाया जाता है, वैक्सीनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the crop having maximum area in India. The correct answer is rice. Area अगर पूछेगा तो rice है, वहीं अगर production पूछेगा तो answer होगा हमारा wheat. Next question. Name the crop rich both in protein and oil. The correct answer is soybean. Next question. Indicate the crop different from others for plant part used as fiber. The correct answer is cotton. Next question. Find out the intensity of maize wheat sugarcane
रतून क्रॉप रोटेशन. द करेक्ट आंसर इज 133. ये कैसे आया? क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? द नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशन. मतलब जितने क्रॉप आप ले रहे हैं क्रॉप रोटेशन में, तो यहाँ पर कितने क्रॉप ले रहे हैं? मेज, वीट, शुगर केन, रतून. मेज और वीट दोनों को मिला के एक साल लगेगा, शुगर केन के लिए 1 ईयर, रतून के लिए 1 ईयर. मतलब टोटल हमारे पास कितना हो गया? 3. तो 4/3 × 100. Then the answer is 133%. Next question. Name the herbicide used to control weeds in pulse crop. The answer is Lasso. Next question. Phalaris minor is a common weed in the crop of. The correct answer is wheat. Wheat ki ye mimicry weed hai. Phalaris minor. Next question. Which one of the following is the most scientific crop rotation? The correct answer is moong dash wheat. Ek leguminous crop ke baad non-leguminous crop lagana sabse best method hai crop rotation mein. Taki soil ki fertility jo hai wo maintain hoti rahe. Next question. Which one of the following is a rabi crop? The answer is linseed. Next question. Which state has the maximum productivity of wheat in India? Productivity wheat ki sabse zyada kahan hai? Punjab. Next question. Name the state having maximum area under bajra cultivation. Bajra ek drought resistant crop hai, to iska answer hoga Rajasthan. Next question. If the seed of bajra and sesame are mixed and broadcast, it is an example of. The correct answer is mixed cropping. Intercropping में हम seed को mix broadcast नहीं करते हैं, line wise sowing करते हैं. तो इसलिए इसका यहाँ पर answer होगा आपका mixed cropping. Next question. First agriculture university in India was established in 1968. The correct answer is A. Pantnagar. Next question. Central Arid Zone Research Institute is located at Kajri. इसको short form में हम क्या बोल सकते हैं? Kajri. तो ये कहाँ locate करती है? जोधपुर, राजस्थान. Next question. Green Revolution in India was a result of. The correct answer is second. Development of dwarf varieties of wheat and rice. Next question. Most critical stage for irrigation of wheat is. The answer is crown root initiation. Ye first time kisne diya tha? V.L. Bharadwaj ne. Next question. Arrowing refers to flowering in sugar cane. Next. Which of the following is a variety of mango? The answer is नीलम. नीलम का दो क्रॉप ले लेते हैं हम एक साल में, है ना? Next question. Indicate the formula for harvest index. The correct answer is grain yield upon biological yield. It is also called as economic yield upon biological yield. Next question. What is the optimum time of application of farmyard manure? The answer is 1 month before sowing of crop. Sowing से एक महीने पहले आपको FIM दे देना चाहिए, क्योंकि उसको टाइम लगता है अपना न्यूट्रिएंट रिलीज करने में. Next question. What is the CN ratio of a normal soil? The correct answer is 10:1. Next question. Indicate nitrogen content in calcium ammonium nitrate. Calcium ammonium nitrate में nitrogen percentage कितना होता? The answer is 26%. इसको हम किसान खाद भी बोलते हैं. Next question. Indicate P2O5 content in DAP. The answer is 46%. Next question. Which one of the following can check flower drop in crops?
द करेक्ट आंसर इज ऑक्सिन। फ्लावर ड्रॉप क्यों होता है जनरली क्रॉप्स में, क्योंकि एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है वहां पर, तो उसको रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेल ऑर्गेनेल वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। द करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में आपका लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स फूड मटेरियल मूव्स थ्रू। फूड मटेरियल फ्लोएम से मूव करता है, एंड वहीं अगर वाटर की बात होती तो आंसर इज जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द फॉर्मूला फॉर लीफ एरिया इंडेक्स। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, लीफ एरिया अपॉन लैंड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैक्स इज ए फाइबर ऑफ। फ्लैक्स किसका फाइबर है? द करेक्ट आंसर इज लिंसिड, जिसको हम अलसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई पोटैटो ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड एट शिमला इन इंडिया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट पोटैटो ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड इन शिमला। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, पोटैटो डज नॉट फ्लावर इन प्लेन्स। प्लेन्स में पोटैटो जो है फ्लावरिंग नहीं करता, क्योंकि उसको उसके अकॉर्डिंग जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो यहाँ फुलफिल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन ऑफ अ क्रॉस बिटवीन AABB एंड स्मॉल AABB। तो इसका अगर हम क्रॉसिंग करेंगे तो आंसर क्या आएगा F1 जनरेशन का, दिस इज द करेक्ट वन, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल क्रॉप। द आंसर इज कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेट बियरिंग इज मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ। अल्टरनेट बियरिंग मीन्स एक साल फ्लावरिंग होती है उसमें, नेक्स्ट ईयर उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, तो किसका एग्जाम्पल है, मैंगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू घोषा इज ए वेराइटी ऑफ। द करेक्ट आंसर इज पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक बॉलवॉर्म इज अ कॉमन इंसेक्ट ऑफ। पिंक बॉलवॉर्म किसका इंसेक्ट है? द करेक्ट आंसर इज कॉटन। जितने भी बॉल वॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन में ही लगते हैं। स्पॉटेड बॉल वॉर्म हो गया आपका, या अमेरिकन बॉल वॉर्म हो गया, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ब्लाइट इज ए डिजीज ऑफ। द आंसर इज पोटैटो, फाइटोप्थरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सीड स्पाइस रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट। द करेक्ट आंसर इज ताबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच सीड विल बी रिक्वायर्ड टू सो 10 स्क्वायर मीटर एरिया एट द रेट ऑफ 100 केजी सीड पर हेक्टेयर। क्वेश्चन में पूछा है कि आपको कितना सीड की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको सोइंग करना है 100 केजी सीड को 10x10 में, एक हेक्टेयर में, है ना। तो एक हेक्टेयर आपका कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप 10 मीटर स्क्वायर में कितना आएगा करके वो निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 100 ग्राम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वांटिटी ऑफ यूरिया विल बी रिक्वायर्ड फॉर 10 हेक्टेयर एरिया एट द रेट ऑफ 120 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। इस क्वेश्चन में आपको यूरिया की क्वांटिटी निकालनी है, जैसे हिंदी में दिया है 120 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की दर से 10 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कितने यूरिया की मात्रा चाहिए। तो आपको यूरिया का फैक्टर पता है, 100/46 करने से 2.17 आता है, तो आपको कितने केजी के लिए बोला है, 120, तो 2.17 मल्टीप्लाई बाय 120 करेंगे तो कितना आएगा, 260 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। बट ये 260 केजी आपका किसके लिए आंसर आएगा, एक हेक्टेयर के लिए, बट आपको निकालना किसका है, 10 हेक्टेयर के लिए, तो इनटू क्या कर देंगे, 10, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2600 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, गवर्नमेंट बाइज प्रोडक्ट एट दिस प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स मतलब ये फार्मर्स के बेनिफिट के लिए MSP रेट डिसाइड करती है गवर्नमेंट। जैसे अगर फार्मर जो है अपना कोई भी प्रोड्यूस किया, जैसे धान प्रोड्यूस किया, उसको मार्केट में बेचने जाया, किसी कारणवश वो नहीं बेच पाया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उससे वो उसका जो भी प्रोडक्शन है वो MSP के रेट से खरीद लेती है,
और अपने वेयर हाउस वगैरह में स्टोर करके रख लेती है, ताकि जब कमी हो या फिर जैसे ही उनके पास आ जाए तो वो दूसरों को प्रोवाइड करा सके, बीपीएल वाले लोगों को या जिनको भी। इससे क्या होता है, फार्मर्स का भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट तो है ही कि उनका जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो एमएसपी के रेट पे खरीद लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफेक्टिव एक्सटेंशन सर्विस इज, द करेक्ट आंसर इज थर्ड, हेल्पिंग द फार्मर टू हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च इज लोकेटेड एट, द करेक्ट आंसर इज भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड बीट रिसर्च सिमिट इज लोकेटेड एट, द करेक्ट आंसर इज मैक्सिको। नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट फ्रॉम राजस्थान हैज वर्क्ड एज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, द आंसर इज आर एस परोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल रिकमेंडेशन ऑफ एन पी के फर्टिलाइजर डोज फॉर चिक पी इन राजस्थान आर, द आंसर इज 20:40:0, मतलब 20 kg नाइट्रोजन, 40 kg फॉस्फोरस और पोटाश की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इज सिचुएट इज लोकेटेड एट, एन बी एस एस एल यू पी कहाँ पर स्थित है, द आंसर इज नागपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, द आंसर इज राजमुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिपरेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्यूर बाई ट्रेंच मैथड वॉज गिवन बाई, फार्म यार्ड मेन्यू तैयार करने की विधि ट्रेंच मेथड से किसने दी थी, द आंसर इज सी एन आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोनल सिलेक्शन इज यूज्ड इन, द करेक्ट आंसर इज नॉन फ्लावरिंग स्पीशीज के लिए हम क्लोनल सिलेक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनफ्लोरोसेंस ऑफ वीट इज, द आंसर इज स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूली स्टार्टेड एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ ICAR इज, द करेक्ट आंसर इज नेप, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफ्लावर ऑयल इज रिच इन, द करेक्ट आंसर इज ए लिनोलेइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्कलॉइड इन ओपियम इज, द आंसर इज मॉर्फिन। टोबैको में क्या होता है, निकोटीन। निम्बिडीन किसका है, नीम का। अर्गोटाइन किसका है, बाजरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर पोटैटो वेराइटी इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द आंसर इज कुफरी सिंदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलमीटर टेस्ट इज यूज टू जज, जेलमीटर का हम यूज कब करते हैं, पेक्टिन कंटेंट चेक करने के लिए, जेली बनाने के लिए पेक्टिन का यूज करते हैं हम, तो उसी को चेक करने के लिए कि हमारा पेक्टिन कंटेंट सही है कि नहीं, इससे हमको कैसा जेल मिलेगा, जेलमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल मंथ फॉर प्रूनिंग ऑफ बेर इन राजस्थान इज, द करेक्ट आंसर इज मई। फ्लावर इनिशिएशन इन फ्रूट प्लांट्स इज फेवर्ड बाय, द आंसर इज प्रॉपर सी एन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉक गार्डन इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ, रॉक गार्डन कहाँ की एक मतलब इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, जापानीज गार्डन की। वही मुगल गार्डन का क्या होता है, बारादरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रोज ब्रीडर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, द आंसर इज बीपी पाल। बीपी पाल एक रोज की एक वैरायटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपेन इन पपाया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, द करेक्ट आंसर इज इमैच्योर फ्रूट्स। पुसा मुक्ता इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, द आंसर इज कैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉपुलर एल्कोहलिक ड्रिंक फैनी इज मेड फ्रॉम, द आंसर इज कैश्यू एप्पल।
ये फैनी ड्रिंक आपको अगर आप गोवा जाएंगे तो आपको बहुत पीने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास इज, द करेक्ट आंसर इज सिंपोगॉन फ्लेक्सोसस। लेमन ग्रास मीन्स इसमें से ना लेमन का फ्लेवर का स्मेल आता है, टेस्ट नहीं होगा इसका टेस्ट, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इससे कि उसका टेस्ट लेमन जैसा होगा, उसका बिल्कुल नहीं होता, उस स्मेल लेमन की जैसे होती है, सिंबोपोगॉन फ्लेक्सोसस। ये जनरली ड्रिंक वगैरह सर्व करते हैं तो उसमें फ्लेवर के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, द करेक्ट आंसर इज बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड इज, द आंसर इज मार्गोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो एजेंट क्राइसोपर्ला कार्निया इज ए, द आंसर इज प्रिडेटर। ये लेडी बर्ड बीटल का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकन इज एन एसोसिएशन ऑफ, द करेक्ट आंसर इज एल्गी एंड फंगस। नेक्स्ट, द जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इज लोकेटेड एट, द करेक्ट आंसर इज जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च इज लोकेटेड एट, द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फंगस के द्वारा होता है ये डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन, द करेंट आंसर इज 2 अक्टूबर 1980, गांधी जयंती के दिन है ना, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप हैबिट्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन कैन बी टर्म्ड एज, द आंसर इज फोक वेज। द सॉल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ बार्ले फॉर राजस्थान इज, द आंसर इज BL2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजफुल बायो फर्टिलाइजर फॉर वीट क्रॉप इज, द आंसर इज एजोटोबैक्टर कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पूसा बिहार वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली इन, द आंसर इज 1936। पहले ICR जो पूसा बिहार में हुआ करता था, शिफ्ट हुआ दिल्ली में, कौन से ईयर में, 1936। बार्ले इज सोन इन, ये रबी सीजन की क्रॉप है तो इसका आंसर होगा मिड अक्टूबर टू नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एवरेज सीड रेट ऑफ शुगर केन इन राजस्थान इज, द आंसर इज 40,000 to 50,000 सेट्स पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑयल कंटेंट ऑफ फ्लैक्स सीड इज, फ्लैक्स सीड मतलब ये कहाँ से मिलती है हमको, लिनसेड से, अलसी से, और इसका आंसर है, सॉरी इसके आंसर में डाउट है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया वॉज रिटन बाय, द आंसर इज MS रंधावा। गुरु रंधावा मत समझ लेना, MS रंधावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट पैरासिटिक वीड, द आंसर इज ओरोब्रैंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्बिसाइड, द करेक्ट आंसर इज पेंडीमिथेलिन, पेंडीमिथेलिन एक हर्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच पेस्ट कॉज्ड हैवी लॉस इन द कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन इन कोटा रीजन, राजस्थान में किसके कारण से भारी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर है टोबैको कैटरपिलर। मिनिमम परसेंटेज ऑफ K2O इन फर्टिलाइजर ग्रेड पोटेशियम सल्फेट इज, 48% K2O होता है बट अप्रोक्स में यहाँ पे हम ले लेंगे 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर डेफिशियंसी कॉजेस,
The correct answer first, ergotin bajra. Soil water is available between field capacity और permanent wilting point के बीच में available water हमको मिलता है, तो इसलिए इसका answer होगा first 1/3-15 atmospheric pressure. Next question, a vertical section of soil with different layers is known as. The correct answer is second, soil profile. Next question, which wheat rust is of common occurrence in Rajasthan? कौन सा wheat rust common है राजस्थान में? Yellow. Next question, the inflorescence of paddy is known as. The correct answer is panicle. Next question, recommended rate of NPK for sesame in Rajasthan are. The answer is second, 20-20-0. Next question, gulkand is a mixture of rose petals and sugar. Ka mixture hota hai gulkand. Next question, pollination in beetroot plant is mediated by. The correct answer is water. Next question, which of the following is a contact herbicide? Contact herbicide means ये surface में ही रहता है, मतलब systemic जो होता है वो surface, मतलब plant के surface से अंदर उसके plant sap में चला जाता है, cell sap वगैरह में, but contact herbicide जो surface में ही present होता है, तो इसका answer होगा 2,4-D, जो एक broadleaf herbicide है. Next question, which is the mimicry weed of wheat? Wheat का mimicry weed कौन सा है? Phalaris minor. Next question, Neocetina brucei is a biocontrol agent for the weed. The correct answer is Eicornia crassipus. Water hyacinth का ये biocontrol agent है. Next question, National Research Center for Wheat Science is located at. The correct answer is Jabalpur. Jabalpur में स्थित है आपका National NRC Wheat Science का. Next question, who has proposed the method demonstration? Method demonstration किसने first time propose किया था? ऐसे NAP. Next question, the term extension education was first used in. Extension education का जो शब्द है वो सबसे पहले कहाँ पर start किया गया था? UK, Ukraine. Next question, who devised the cone of experience? Correct answer is Edgar Dale. Next question, when total production is zero, जब TP आपका zero होगा, then which is the option is the correct one? The correct is third, average and marginal product both will become zero. AP and MP जो दोनों होगा वो zero होंगे, जब आपका total production zero होगा तो. Next question, when marginal product increases, total product. जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो टोटल प्रोडक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ टूल ऑफ फार्म मैनेजमेंट? फार्म बजटिंग, फार्म प्लानिंग, फार्म बुक कीपिंग, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन. यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कि नॉट अ टूल ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिक्स्ड कॉस्ट ऑन फार्म इज. फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा? लैंड रेंट. Next question, which is referred as opportunity cost? The correct answer is alternative cost. Marketable surplus is. Total production में हम family consumption या family requirement का minus कर देंगे, that is called as marketable surplus. Next question, Dapog is a method of. Dapog किसका method है? Nursery raising का. किसमें use करती है? Rice में. इसमें 11 to 12 days में आपकी rice जो है transplanting के लिए ready हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनिक फ्रूट? पॉलीएम्ब्रियोनिक मतलब एक सीड में आपका एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनिक फ्रूट. इसका करेक्ट आंसर है मैंगो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कल्टीवेटेड एरिया ऑफ राजस्थान इज अबाउट. द आंसर इज 20 million hectare. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन इन ड्राई लैंड एरिया इज. ड्राई लैंड एरिया में आपका पोटेंशियल इवेपोरेशन पीईटी क्या होगा? मोर देन द रेनफॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट आइडियोटाइप ऑफ वीट?
प्लांट आइडियल टाइप किसने दिया था, एक बायोलॉजिकल मॉडल के तौर पे इसे यूज करता है, जो कि आइडियल होता है, जो भी हम लोग को आइडियलिस्टिक कैरेक्टर्स चाहिए उस प्लांट में वो ये सब पोजेस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीएम डोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनब्रीडिंग इन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप इंक्रीजेस। इनब्रीडिंग से, बार बार इनब्रीडिंग कराने के कारण से क्या उसमें जनरेट हो जाएगी, होमोजाइगोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टियोसिनेट इज कंसिडर्ड एज एन एंसेस्टर ऑफ, द करेक्ट आंसर इज मेज। मेज का एंसेस्टर क्या है, टियोसिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायो एजेंट इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ पार्थेनियम वीड, द आंसर इज जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज DPPQS इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पर प्रेजेंट है आपका, द करेक्ट आंसर इज फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है आपका, ग्रेना में। ग्रेना में कौन से पोजिशन पर, थैलाकॉइड्स में। एक ग्रेना में 10 to 15 थैलाकॉइड से मिलकर एक ग्रेना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर फंजीसाइड आर इफेक्टिव अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू, येलो कलर किसके कारण था, कैरोटीन के कारण। विच ब्रीड ऑफ गोट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मिल्क, गोट की कौन सी ब्रीड है जो मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूस करती है, द आंसर इज जमुना परी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी एल आर करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग इज 25, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, 1.025। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन कैरोट इज, रेड कलर कैरोट में किसके कारण होता है, द आंसर इज एंथोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गाइनोडायोशियस वेराइटी ऑफ पपाया, पपाया की गाइनोडायोशियस वेराइटी मीन्स उसमें फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा आपका, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर भी आपका प्रेजेंट होगा और एक फीमेल फ्लावर भी आपका प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज गाइनोडायोशियस, तो उसकी आंसर है सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एग्रीकल्चर, द करेक्ट आंसर इज होमोजिनस प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर प्राइस ऑफन फ्लक्चुएट बिकॉज ऑफ, द आंसर इज एब्रप्ट शिफ्ट इन सप्लाई, सप्लाई में चेंज होने के कारण जो प्राइस में चेंज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल गुड, द आंसर इज फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल वाटर अवेलेबल टू द प्लांट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट्स, द करेक्ट आंसर इज कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप आर सॉल्ट टॉलरेंट, द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, बार्ले कॉटन एंड शुगर बीट आर द सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज कॉइंड बाई, टर्म किसने दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, विलियम जी, विलियम गॉड ने, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, एनी बोरलॉन्ग, इंडियन फादर कौन है, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सीरियल, मैन मेड सीरियल के ट्रिटिकम जो राई और वीट के क्रॉस से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज, द आंसर इज वर्गीस कुरियन। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी एंड सेफ, बाय बाय।